back, ladies and gentlemen. Over to our Baji, जो सब जानती हैं. Sumaira, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. Thank you so much. आज के हमारे guest, Mr. Yasir Hussain. इनके past के बारे में, with his permission, with your permission, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है. सब बता सकती हूँ? जो दिल करे बताएं. जो दिल करे. आपने permission, consent आ चुका है. क्या बता सकती हैं आप हमें यासिर की जिंदगी और सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? पर्सनैलिटी के बारे में मैंने इनका जैसे ही चार्ट खोला और मैंने कहा ओ माय गॉड, इतने जज्बात, क्या कर रहे हैं यासिर? हैं? हाँ क्या? इमोशनल ये कोई ढकी छुपी बात है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप इतना इजहार नहीं करते अपने इमोशंस को. इमोशंस मैं वैसे तो पर्सनल लाइफ में तो बहुत इमोशनल सा इंसान हूँ. नहीं, ये अभी भी आप देखें, ये चश्मा लगा के आए, छुपा रहे हैं अपनी आंखें भी कि हम देख ना लें कि क्या चल रहा है इनके जज्बात इस वक्त, क्या है ऐसे ही है? नहीं, चश्मा तो इसलिए नहीं लगा, लेकिन हाँ अच्छा, अब सबको तो नहीं दिखाया जा सकते जज्बात. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो यासिर के चार्ट में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, बड़े क्यूरियस किस्म के इंसान हैं आप. इनको अगर कोई भी रिसर्च के लिए टॉपिक दें तो ये उसके एंड तक पहुँच जाएंगे. तो जो अभी आपकी एक मूवी थी जिसके अंदर आपने थोड़ा सा डार्क, जावेद इकबाल, उसके अंदर कुकड़ी, कुकड़ी, यस, सो दैट मूवी, मेरी जावेद इकबाल थी, कुकड़ी नहीं थी, आपकी जावेद इकबाल, बिल्कुल, जो उसके अंदर जितनी चीजें हो रही थी उसके अंदर इनकी पर्सनालिटी, जो फाइंडिंग फैक्ट्स एंड जो भी डार्क स्टफ हो रहा था, आई थिंक इसमें बड़ा यासिर का इंटरेस्ट है. टैबू स्टफ जो होता है उसके अंदर भी बड़ा आपका इंटरेस्ट है, क्या ये सच है? आई डोंट नो आप किस उसमें कह रही हैं, बट हाँ उसकी रिसर्च से लेके इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाना, ये सब इनमें मेरा इंटरेस्ट है. बिल्कुल. और अगर हम आपकी नीड्स की बात करें तो आपकी जो नीड्स हैं वो आपको कोई शैलो कॉन्वर्जेशन नहीं पता पसंद, लाइक आप जाते हैं बिल्कुल डीप में कॉन्वर्जेशन, एवरी थिंग शुड बी क्लियर, और आपको डीप इंटीमेसी लेवल्स चाहिए होते हैं अपने दोस्तों के साथ भी. तो कैसा चलता है ये, लोग आपको किस तरीके से आपकी इंटेंसिटी को बर्दाश्त करते हैं? जो करीबी दोस्त हैं वो कर लेते हैं बर्दाश्त. बाकी लोग डर के भाग जाते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं सबके साथ तो आप उस तरह होते नहीं जितना आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं या करीबी लोगों के साथ होते हैं. बाकी मेरा जो ओवरऑल इमेज है वो उसको बड़ा प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है. बिल्कुल. अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी की एक और ख़ास बात ये भी है कि आपको गुस्सा बड़े इंटेंस लेवल पर आता है, लेकिन जब उस गुस्से को आप सोच रहे हैं तो आप अपने दिमाग में बड़े वॉरियर होते हैं, लाइक लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, मैं ये कहूँगा ये कहूँगा, लेकिन जब आप इजहार करने जाते हैं उस गुस्से का तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है. ऐसा ही है. सच है? हाँ. वाह, बाजी के लिए गालियाँ भाई. कोई मजे की ये जो आप बहुत एक सतही तौर पे चीजें बता रही हैं यासिर के बारे में, सतही तौर पे इसके डीप 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 डीप. अच्छा, यासिर के बारे में एक और चीज जो मुझे नजर आ रही है वो है ये बड़े अच्छे स्टॉकर हो सकते हैं. हो सकते हैं, हो सकते हैं या रह चुके हैं? बिल्कुल रह भी चुके हैं, आई एम श्योर. जरा बताएं इस बारे में कुछ. देखिए, इंसान जिंदगी में अपने टीन एज में सभी कभी ना कभी स्टॉकर रहे होते हैं. नहीं नहीं, मैं तो नहीं सब तो नहीं मैं तो नहीं नहीं मैं नहीं था, अल्लाह की कसम. अच्छा बताएं, अब बताएं जरा. नहीं, होते हैं, आप लोग मुकर रहे हैं ऐसे खामखा. तो आप स्टॉकर रह चुके हैं, क्या हम पूछ सकते हैं आप किसको स्टॉक करते थे? नहीं, ये तो नहीं बता सकता, अब तो नहीं बता सकता. नहीं, वो एक कोई नहीं होगा शायद, इनको इनके पास फाइल भी रखी हुई होगी एक्सेल की, फाइल डेट्स के. भाई उन्होंने घर भी जाना, क्या कर रही है बाजी, खुदा दा वास्ता जी. ओके okay, अच्छा बचपन में इनकी बात करें तो थोड़ा सा इनका एक्सप्रेशन वालदैन में से किसी ने थोड़ा सख्त रखने की कोशिश की, क्योंकि ये थोड़े से आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ें भी कर लेते हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं लिमिट क्रॉस करना. तो बचपन में आपकी जो तरबियत है उसके अंदर थोड़ा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको भरपूर चांसेस मिले हैं कि जिसमें आपने अपनी आपको फुली एक्सप्रेस किया हो और आपने मज़े की हरकतें की होंगी, आई एम श्योर. मेरा बचपन, हाँ जी, बहुत अच्छा गुजरा है, मज़ेदार गुजरा है, और आई थिंक सभी पेरेंट्स करते हैं कोशिश कि उनके बच्चे एक वो एक लाइन में चलें, और बच्चे कोशिश करते हैं कि हम उस पर ना चलें. मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ आपकी इजाज़त से? जी. रिसेंटली मतलब कह लें साल दो साल में पिछले, यासिर की पर्सनैलिटी में आपके चार्ट के हिसाब से ऐसी क्या तब्दीली आई है कि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सिमर डाउन कर गए हैं, थोड़े कम जज्बाती हो गए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइन क्रॉस करना इन्होंने कम कर दिए? इन्होंने बहुत सारा दुख पाया है अपने जज्बात के इजहार से, और अब वो उन चोटों से सीख चुके हैं कि किसको कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है. अभी बताया मैंने आप. मैं आई एम नॉट किडिंग, जब हम ये सेगमेंट करने के लिए आ रहे थे तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यासिर टोल्ड मी. ओह नाइस,
This is exactly what he said. जी बिल्कुल, इनकी जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट है, जो ड्राइविंग जो फैक्टर है वो इमोशंस ही हैं, लेकिन अब ये सीख चुके होंगे कि इनकी इमोशंस इनको कभी कभी गलत जगह पे भी ले जाती हैं। ऐसा ही आगे चल के इनका खुलने का दोबारा चांस है या अब ये ऐसी परमानेंटली रहेंगे? लास्ट सेगमेंट में अच्छा सो यस, ये एक और चीज़ जो आपकी लाइफ में मुझे नजर आती है कि आपको लोगों से जो लोगों को आप स्कैन कर लेते हैं, लाइक अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको पता होता है एग्जैक्टली कि ये बात सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इजीली आप लोगों को जज कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा परसेंटेज है कि मुझे पता होता है, या मैं भी मुझे लगता है और मुझे घंटा पता नहीं होता, लेकिन लेकिन हर इंसान को ये लगता ही है कि यार उसे पता है कि क्या कर रहा है। मेरा नहीं हाल, हर इंसान का मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा यासिर की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत हैं और इनको कोई भी चीज़ बहुत प्लेट में रख के नहीं मिलती, इसके लिए उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और जब वो मेहनत करते हैं तो बिल्कुल उनको अचीवमेंट्स होती हैं और इनकी इंटेंसिटी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अचीव भी होंगी। यासिर, आप अगर एक्टर नहीं होते या आर्टिस्ट नहीं होते तो मेरे हिसाब से आप या सर्जन होते या आप डॉक्टर होते या आप कोई पुरानी चीज़ों को नया कर रहे होते, क्या ख्याल है इस बारे में आपका? अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था यार, बाजी के लिए भाई बहुत ज़्यादा शौक था, बट चूंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो वो चांस नहीं था मेरे पास कि मैं डॉक्टर बन सकूं, और हमारे यहाँ डॉक्टर बनने से पहले बहुत डराया भी जाता है कि उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आधे लोग तो उसी से हट जाते हैं, तो मैं भी उस चीज़ से हट गया था। बट मुझे फिर डॉक्टर्स पसंद बहुत हैं, मुझे लगता है ये वाहिद ऐसा पेशा है जो बहुत डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्टेड है, उनके लिटरल तकलीफ़ों को दूर करने में, उन वो अच्छे से बात करें तो भी लोग ठीक हो जाते हैं आधा। एंड वाज दैट द रीज़न व्हाई यू? हाँ जी, मुझे बहुत, मैं लोगों से बड़ा इस लेवल पे जाके कनेक्ट करना चाहता था और वो नहीं हो सका, बट उसके बाद फिर मैं चाहता था कि मेरी शादी किसी डॉक्टर से हो जाए बट ऐसे कोई डॉक्टर थी नहीं, लेकिन ऐसे वो थी, ख्वाहिश थी कि अगर मेरी बीवी डॉक्टर हो तो भी अच्छी बात है, और अब मुझे होता है कि यार मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। अच्छा, ये वाली बात भी आपकी कहीं भी बात से मिलती है कि ये डीप कनेक्शन चाहते हैं लोगों के साथ। डीप कनेक्शन के अलावा ये लोगों के बारे में उनकी प्रेडिक्शन भी देते हैं, लाइक इनकी जो इंट्यूशन है लोगों से मिलने के बाद ये उनको उनके बारे में बताना भी शुरू करते हैं, जिसमें लोगों को डरा भी देते होंगे ये शायद। मैंने अपनी एक दोस्त की अम्मी को बताया था कि आपके अम्मी ने दूसरी शादी की हुई है और उन्होंने की भी थी। नहीं नहीं, और इंट्यूशन इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉक टॉक शो के बारे में प्रिडिक्ट करके गए थे कि बहुत आगे जाएगा और बहुत सक्सेसफुल होगा, और माशाल्लाह वो हुआ है। तो यासिर, आपकी लाइफ में अब जो चेंजेस आने वाले हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपका बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जिसके अंदर शायद आप जो हैं वो कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करें और आपको मोर फेम और रिकग्निशन होगी, साथ में आपको बहुत ज़्यादा जो है लाइफ चेंजिंग इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं आपकी लाइफ में, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।